खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों और खिजां को भी गुजरने की मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाइला मीर। नाजरीन, वतन अजीज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है और इस वक्त पाकिस्तान भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल्स लगाए गए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर, रिक्शों के ऊपर जो है वो सब्ज हिलाली परचम जो है वो लगाए गए हैं। लोग वतन से मोहब्बत करते हैं, कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुल्क के जो बाशिंदे होते हैं, जो शहरी होते हैं, और वतन से जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, इनका नाम क्या है हम इनसे जानेंगे, लेकिन इनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम एहसान है जी, एहसानुल हक। ओके, अच्छा एहसान साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो है यौम आज़ादी मनाया जा रहा है 76वां पाकिस्तान का, आप किस तरह से सेलिब्रेट करें? देखें, इस दफ़ा तो बिल्कुल भी जो है वो जोशो खरोश नहीं है। आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है, महंगाई की वजह से, महंगाई में पिसी हुई जो आवाम है वो इस इंजॉय नहीं कर पा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पेट में रोटी का नवाला नहीं जाएगा, आपके बच्चे भूखे होंगे तो आप कैसे जश्न आज़ादी मनाएंगे? तो अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे करम करे, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। देखिए जी, मैसेज यही है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई ऐसी हुकूमत मुसल्लत करे जैसे हम पहले बचपन में मनाया करते थे जश्न आज़ादी, वैसे ही हम चाहते हैं कि दोबारा से फिर वो खुशियाँ लौटें, दोबारा फिर लोगों की परचेजिंग पावर हो, वो अपने बच्चों को ये चीज़ें दिला सकें, अपने बच्चों को अवेयर कर सकें कि आज़ादी क्या है। कायद का पाकिस्तान है, कायद ने जिन मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान बनाया था उन्हें हम हासिल करने में कामयाब हो सके हैं, और जश्न आज़ादी 76वां पाकिस्तान का किस तरह से मना रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी से, बेशक गरीब हो अमीर हो पर उसकी बहुत मोहब्बत होती है पाकिस्तान के साथ, बेशक वो खुद भी नहीं खाएगा पर पाकिस्तान के लिए जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएगा। हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, पर ये जो दिन आता है ना, ये हम अनथक मेहनत करके इस अपने मुल्क के लिए जो है ना जश्न मनाते हैं, और हम दुआगू हैं सब के लिए। तो सब लोग जो है इस गर्मी में देखो सारे बैठे हुए हैं, पर इस पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के लिए, मोहब्बत और प्यार के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मनाएंगे, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान की। कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? आपने कहा महंगाई भी है, जैसे भी हालात हैं, लेकिन जो आज़ादी है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आज़ादी का दिन जब वो मनाना। बिल्कुल, देखो महंगाई या ये चीज़ है ये तो हुकूमत के रिलेटेड है, पर आज़ादी जो है ये एक हमारे मुल्क की वफा है और हमारा पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम मुसलमान हैं और तमाम जितने भी शहरी रहते हैं इस पाकिस्तान में या बाहर हैं जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हैं, जश्न आज़ादी के लायक कोई भी जो है ना इनकार करने वाला कोई है ही नहीं, और वो दिल खलूस से अपनी मनाएं। बाकी ये जो महंगाई है ये अल्लाह पाक करेगा, ये अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ज़रूर इस हुकूमत को भी इस पर नज़र सानी करनी चाहिए ताकि ये जो है ना जश्न आज़ादी, महंगाई कम होगी तो और लोग ज़्यादा खुशी से मनाएं। जी जी, शुक्रिया जी। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर एक स्टॉल पे मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की सब हिलाली परचम जो है उनकी बहार है, बड़े बड़े झंडे भी लगे हुए हैं, और इस स्टॉल पे ये होते हैं भाई साहब, इन्होंने भी अपने सीने के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो 76वां पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, इसमें पिछला जो यौम आज़ादी था उससे, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, और लोग जो है उनका आप रुझान क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपने स्टॉल लगाया हुआ है, लोग खरीदो फरोख कर रहे हैं, झंडे आपसे खरीद रहे हैं? ये पिछला 14 अगस्त और अभी 14 अगस्त में बहुत फ़र्क ये है कि पहला जो है ना इतना महंगाई था, अभी हर कोई परेशान है, ठीक है, किसी को जो है ना काम शाम नहीं मिलते और ख़र्चे इतना ज़्यादा है कि हर एक बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको बता दूँ ना, एक तो पिछले साल में जो है ना कभी मैंने इस तरह 14 अगस्त नहीं देखा कि कभी किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी हो, मतलब पीटीआई झंडे पे अभी पाबंदी है, बाजे शाजी जहाँ से मिलते दुकानों में बनती है उधर जो है ना उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हम स्टॉल वाले लेके आते उस दिन वो आया था वो मैडम इधर इस्लामाबाद से सारा बाजे शाजी उठा के ले गए पीटीआई का झंडे, तो ये जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना मुल्क हमारा है, हमने इसको संवारने और हमने इसको बनाने, हम किसी भी वजह से अपने मुल्क से नफरत नहीं कर सकते किसी भी शख्स की वजह से, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के किनारा हो जाए।
पाकिस्तान तो हमेशा के लिए जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ इनका ये आजकल ये हालात का बोल रहा हूँ कि मतलब महंगाई है, लोग जो है महंगाई की वजह से परेशान है और आपके जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर उस तरह से लोग नहीं आ रहे जिस तरह पहले आते थे और खरीदो फरोख करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया। अच्छा, जो इस दफ़ा का योम आज़ादी है पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी और जो 75वां था, उसमें क्या फ़र्क है? आप लोगों का रुझान क्या देख रहे हैं? आप ही आम लोगों की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त में? बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है ना, ये जो 14 अगस्त है ना, ये लोग नहीं मनाए जाते, जो मनाते हैं ना बहुत कम, 100 में 20% मनाएगा, 80% लोग जो है ना 14 अगस्त नहीं मनाते, समझ गया ना। हमारा अपना गाँव में जो है ना स्कूल ही बंद है, बोलते भाई धमाके हो रहे हैं या क्या, ये आज़ादी है। अच्छा, आप कौन से इलाके से? अपर दीर से। जी, मैं केपी के अपर दीर से हूँ, लेकिन वहाँ पर स्कूलों में सब में पाबंदी, पहले प्रोग्राम होते हैं, लोगों बच्चे खाके बनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन इस साल में जो क्या होता है ना धमाके होते हैं। क्यों होते धमाके? जो ये इतना बजट और ये इतना जो अपना हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को जो इतना खर्चे करते हैं, 80% 85% वो कहते हैं मुल्क के मदनियात, तो क्या ये फिर धमाके क्यों होते हैं? कैसा लोग मनाएगा 14 अगस्त? 14 अगस्त का मतलब क्या है? आज़ादी। आज़ादी तो है नहीं पाकिस्तान में, आज़ादी कहाँ से आ गया? एक कहावत है इंडिया में 15 अगस्त मनाई जाते हैं ना, तो कोई बुजुर्ग बूढ़ा आदमी था पुराना ज़माने का, कोई क्या बोलता है आज़ादी, आज 15 अगस्त है आज़ादी है, बोलते मुल्क आज़ाद हो गया, बोलते आज़ाद हो गया, बोलते हाँ, बोलते पटवारी ख़त्म हो गया, बोलते नहीं, बोलते पटवारी ख़त्म नहीं हो गया तो ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। हमारे साथ ये एक बुजुर्ग शख्सियत हैं जो कि मजदूरी करते हैं और इनके कपड़े जो है पसीने से भरे हुए हैं इस वक्त। ये वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए हकीकी मानों में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत करके इस मुल्क को चला रहे हैं। इनके क्या जज्बात हैं, ये क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी, इस मौके पर आप कायद के पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दे? सारा पैगाम है सारे पाकिस्तान कायद आजम दे झंडे को सलाम है, ते असान जबूरियत चाहिए, असा अपनी अमानत दे दीने, सारी अमानत दी खयानत होंगी, गरीब अवामी यो को जान दी जबूरियत चाहिए, ये कुछ अदालत फैसला करे वो होना चाहिए, ये नहीं जबूरियत होनी चाहिए जेड़ा हक है। आपकी तालीम कितनी है? अच्छे कहानी, कोई गरीब बने कोई तालीम कहानी, मजदूरी करते हैं, गुजर बसर हो जाता है, झंडे खरीदे हैं, आज़ादी का दिन कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त? वतन से मोहब्बत का जज्बा तो है, बिल्कुल है, ये कुछ थी सी करे सू जज्बा, ये कुछ थी सी झंडे एक लाशू डू, ये कुछ थी सी गरीब ऐसा करे सू और बातें महंगाई है ऐसा क्या कर संगते हैं? है बच्चा ना डेढ़ पालू, बच्चा ने पढ़ाई दे पैसे पूरे करूँ या झंडे को, जे कोई सारा गरीब गरीब है ऐसा जी ये करे सू, सारा कह दे आजम सलाम, लखा दफा करोड़ा दफा सलाम, सारे मुल्क नू सन आजाद कीते। जी, मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? यकीनन आप एक आम पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी है वो आप किस तरह से मना रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुश्किल से मना रहे हैं, बहुत गुर्बत है इधर, हम इधर काम कर रहे हैं अभी इस्लामाबाद में। क्या काम करते हैं? ये शटरिंग का काम कर रहे हैं हम इधर, बहुत मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्या करें हम, अब अपने बच्चों को खिलाएं या जश्न आज़ादी मनाएं, बहुत महंगाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्या कर सकते हैं? मज़दूर जो है, यकीनन मज़दूर का जो गुजर बसर है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी सफ़र कर रही है, लेकिन आज़ादी का दिन है, हर 14 अगस्त को हम मनाते हैं और मुल्क से जो प्यार का जज्बा है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, तो चलिए हालात इंशाल्लाह बेहतर भी होंगे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी है और इस सिलसिले में हम आम पाकिस्तानियों से और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके तासुरात जान रहे हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकरा हाउसिंग सोसाइटी, जो पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैला हुआ है, उसके ऑनर और चैनल 26 न्यूज़ HT की भी ऑनर हैं, मियाँ अरशद साकी साहब। इनसे मैं पूछूंगी कि आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी है, एक तो आम जो देखने वाले लोग हैं उनको भी पैगाम दे दें और जश्न आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट किया? अस्सलाम वालेकुम जी, जश्न आज़ादी जो है बेशक हमारे बुज़ुर्गों की एक कुर्बानियाँ हैं जो हमने दी और जिसके बदले में हमें ये आज़ाद खिता मिला,
इस आज़ाद खित्ते की कदर और इसकी मंतदल वो ही लोग जानते हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर अपना घर बार अपना वतन अपनी चीज़ें लुटाकर यहां पाकिस्तान में आए और इस जज्बे के तहत आए कि हमारा पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बन रहा है और इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहने वाला मुल्क है। और इस आज़ादी की नेमत से हम लोग महरूम नहीं होना चाहते क्योंकि इसको नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों में हमारे एटमी प्लांट भी लगे जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज तरक्की की राह पर गामजन है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों तमाम शोबा सहाफत दीगर शोबा से तलक रखने वाले लोगों को अपनी तरफ से और अपने मुल्क की तरफ से अहल सहाफत को भी जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा और कहूँगा कि इस मुल्क की कदर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़का तारिक है और मैं 26 न्यूज़ की तरफ से तमाम पाकिस्तान की आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा खान न्यूज़ एंकर 26 न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू। मैं हूँ सैयद यासिर हुसैन शाह, मैं और मेरे प्रोजेक्ट न्यू इकरा सिटी और कैपिटल एग्रो फार्म हाउस की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। वतन अजीज, पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। मैं हूँ नाइला शाहजवान मीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 26 न्यूज़ एचटी एंड एंकर पर्सन। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और हमारा मुल्क जो है वो कायम रहने के लिए बना है और कायम रहेगा। नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमें मुख्तलिफ लोगों के पैगामात मौसूल हो रहे हैं और हम उन्हें अपनी स्क्रीन पे ऑन एयर भी करेंगे। पॉइंट इस्लामाबाद से 25 मिनट और फैजाबाद से 35 मिनट।